उधर क्यों गया है यार, उधर बहुत प्रेशर है। यार पागल हो गया, मसाला अंदर डाल दिया था। ओ वाह यार, गाइज ये गांव का कॉलेज है छोटा सा, आपने लाइफ में शायद पहली बार देख रहे होंगे ऐसा कॉलेज जितना छोटा सा गांव का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, आई होप बढ़िया होंगे। सो आज हम वापस से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आए हैं। तो अभी हम कहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि यार अभी हर बार जो हमारा ब्लॉग होता है नाइट में होता है, बट अभी दिन है। अभी हम जा रहे हैं एक न्यू लोकेशन में जो कि जम्मू कश्मीर के बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में, जिस जगह का नाम है डुडू वैली बसंतगढ़, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अभी हम ऑन द वे हैं, रास्ते में है और रुके हैं, अभी थोड़ा फोटो शूट चल रहा था, तो अभी चलते हैं सीधा आपको और खूबसूरत वैली दिखाते हैं। सो अभी हमारे साथ आज कौन ज्वाइन किए हैं, ये है अरविंद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, और वो हमारे पंडित साहब जी जो हमारे साथ जा रहा है। और साथ में गाइस वहां पर हम करने वाले नाइट कैंपिंग, और बहुत ही घना जंगल है, एकदम डीप फॉरेस्ट में कैंपिंग करने जा रहे हैं नाइट कैंपिंग। तो ये व्लॉग तो अभी हम सिंपल आपको एक व्लॉग जहां से जाने का बता रहे हैं, और वहां पर हम नाइट कैंपिंग करेंगे जो कि इसके नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल चलते हैं, काफी लेट हो चुके हैं, टाइम से पहुंचना है क्योंकि रात हो जाएगी, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो रात होने से पहले पहले हमें वहां पहुंचना है। तो चलते हैं यार, है ना, चलो चलो लेट्स गो, आ जाओ। हम पहाड़ी लोग हैं, हमने बड़ी गायें चलाई हैं। सो एवरीवन, अभी हम रास्ते में हैं और रास्ता इतना खूबसूरत है, देख सकते हो, इतना खतरनाक कि हमें 1 किलोमीटर क्रॉस करने में भी 10 घंटे लग रहे हैं, इतना ज्यादा गंदा रास्ता है। पहले तो रास्ता को बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन अभी बहुत ही खराब रास्ता आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आपको खूबसूरती देखने को मिलेगी, हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर देखो इतने अच्छे अच्छे पहाड़ है, और थोड़ी देर में बस हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि 30 से 40 किलोमीटर पड़ा है, तो भगवान करे 30 से 40 किलोमीटर ऐसा रोड नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे रोड हुआ तो फिर तो बहुत बुरी हालत है, फिर तो रात हो जाएगी हमें पहुंचते पहुंचते। अभी हमने लिया ब्रेक यहाँ पर खाने पीने का, इतनी खूबसूरत वादियों में ना आपको यहाँ पर मोमोस मिल जाएं, और क्या चाहिए आपको यहाँ पर, देख सकते हो कितनी खूबसूरत वैली है, डुडू वैली इस जगह का नाम है। अभी हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं है, क्या हमारा पंडित इसका नाम कैसे पड़ा डुडू। हम सुबह से चले हैं, फाइनली हमें हमारी डेस्टिनेशन सामने दिख रही है, सामने आप देख सकते हो क्या वैली है खूबसूरत, और अभी मई का मन चल रहा है, और सामने देखो बर्फ पड़ी है पहाड़ों के ऊपर, इतनी पास आ चुके हैं हम। इन्होंने गड़बड़ से बनाया अपनी जगह,
गाइस ये देखो यहाँ पर घर कैसे, यहाँ पर बर्फ पड़ती है, लोगों के घर ऐसे बने हुए हैं। पहले डुडू आंदा बसंतगढ़ आंदा बसंतगढ़ कितनी दूर है? अभी हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और इतना घना जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और हम यहाँ के गांव के लोगों से पूछ रहे थे कि यहाँ पर भालू चितड़े वगैरह लैपड़ वगैरह हैं, तो बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं तो हमें सोच समझ के यहाँ पर कैंपिंग करनी पड़ेगी। सो अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं कि आज हमें कहाँ पर नाइट कैंपिंग करनी है। फिलहाल तो चल रहे हैं, रास्ता रोड तो बिल्कुल नहीं है बट ठीक है, चलने लायक है। सो अभी बहुत ही खूबसूरत वैली में घूम रहे हैं आप, और देखो रास्ता तो बहुत खराब है लेकिन जो खूबसूरती है ना वो फील ही नहीं होने दे रही कि आप कितने गंदे रास्ते चल रहे हो। देखो साइड में कितने सही सही व्यू है, यहाँ पर लोगों के घर देखो यहाँ पर कितने खूबसूरत बने हैं यार। सो चलते हैं यार आगे, ढूंढते हैं अपनी लोकेशन कहाँ पर आज हमें नाइट कैंपिंग करनी है। तो बहुत मुश्किल होता है सबसे पहले बेस्ट लोकेशन ढूंढना, क्योंकि जितनी अच्छी लोकेशन ढूंढोगे उतना ही मजा आता है रात को रुकने का और दिन में रुकने का। सो गाइस ये यहाँ के मंदिर है, यहाँ के मंदिर कुछ इस तरीके से होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्नो पड़ती है ना, इसकी वजह से इनके जो छत हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। क्या खूबसूरत घर है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके यार, कितना खूबसूरत लग रहा है वो। गाइस ये देखो कितना खूबसूरत घर लग रहा है यार, घर इसी जंगलों के बीच में आपका हो, ये तो ड्रीम होम है यार। अच्छा मैं ये गल सुना, ये जेडी जगह है इधर ना के है इथों त्रोंगली त्रोंगली ते डुड्डू वैली भी जाते हैं ना, डुड्डू हां डुड्डू बसंतगढ़ ते ए ना किया पिया डुड्डू बसंतगढ़, डुड्डू बसंतगढ़ ये पहाड़ एरिया था। अच्छा ताई ऐसे डुड्डू आगदे अपनी लैंग्वेज ऊपर, तो वीर तू जा मार पागल है। चल ठीक है, नेट चलता है इथे? हां चल रहा है, YouTube चलता है, पीछे गड्डी दे पीछे चलन दा नाम लिखया, सब्सक्राइब कर रहे हैं तेरा व्लॉग भी चलना। ठीक है चल ठीक है, जय श्री राम। अभी हम पहुंचे शिव गली में, अभी हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी सी दूर है, अभी हमने जाना है बट यहाँ पर हम रुके हैं आपको वैली दिखाने के लिए। ये देखो कितनी खूबसूरत वैली है, बैकग्राउंड में एकदम देवदार के पेड़ है बहुत ही बड़े बड़े, जहाँ पर स्नो पड़ती है। तो अभी यहाँ पर मई का मंथ चल रहा है और यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम दिन में 10 से 12 चल रहा है और रात को यही 6 रात को ये 6 डिग्री में हो जाएगा। तो पीछे का जो नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, एकदम खूबसूरत बसंतगढ़ जगह का नाम है। और ये पीछे देखो देवदार के पेड़ है, देवदार के पेड़ दिखा यार। सो अभी यहाँ पर चल रहा है फोटोशूट, हमारे जो सुपरस्टार हैं वो फोटोशूट पे रेडी हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट शिव गली की तरफ। हमें आज हमें गांव वालों से पूछा कि कहाँ स्टे करना है, वो कह रहे हैं कि आप आज शिव गली पे स्टे करिए जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, उसके बाद आप डुड्डू वाली साइड जाना। तो हम हमारे 2 दिन का स्टे है यहाँ पर, तो आज हम शिव गली पे अपनी कैंपिंग करने वाले हैं। चलो यार लेट कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ। गाइस बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं ये, इनका फोटो शूट नहीं खत्म हो रहा, चलो चलो बैठो यार जल्दी करो, कमजोर आया था। ये गांव का कॉलेज है छोटा सा, आपने लाइफ में शायद पहली बार देख रहे होंगे ऐसा कॉलेज जितना छोटा सा गांव का। सो एवरीवन अभी हम पहुंच चुके हैं शिव गली के बिल्कुल टॉप पे, यहीं पर हमारी आज की डेस्टिनेशन है, यहीं पर आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। सो अभी हम ढूंढते हैं जगह कहां पर है, बहुत ही खूबसूरत गली है, सो बहुत मजा आने वाला है यार। नहीं चढ़ी यार, ना 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 ना, यहाँ से चढ़ जाएगी वहां फंसेगी यार, यहाँ पर फंसेगी ना, धक्का दे देंगे यार आगे, यहाँ से यहाँ तक खराब है आगे। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं कोई पता नहीं है, नहीं जाएगी नहीं जाएगी, यहाँ से तू ले आएगा। सबने फोर्स किया यहाँ से गाड़ी ऊपर चले जाएगी, तो थोड़ा टफ था लेकिन मैंने निकाल ली यहाँ से। सो हमें जगह मिल चुकी है हमारी डेस्टिनेशन में कैंपिंग करने की, बहुत खूबसूरत है।
बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी नीचे से ऊपर लाई है। सो गाइस वो है शिव गली जो मेन सेंटर है, ये एक किस्म का पास है और पीछे देख सकते हो वो बर्फ पड़ रही है। और ये मंदिर है, किसका मंदिर बताया उन्होंने? नहीं हनुमान का इधर बताया, ये आई थिंक माता का बता रहे थे। हम यहाँ पर इसके ऊपर या इधर कहीं ढूंढेंगे जगह, फिलहाल गाड़ी लेके चलते हैं ऊपर। और रास्ता बहुत खतरनाक था यार, देखो जगह भी इतनी खूबसूरत है कि यार यहाँ पर मतलब दिल आ गया जगह पे यार। मिली कोई जगह? मिली जगह कोई? हाँ ये है ना यार, यहाँ पर हमारी गाड़ी लग जाएगी और यहाँ पर टेंट भी लग जाएगा। वाह यार गाइस, और क्या चाहिए, इतनी खूबसूरत वैली में जगह मिल चुकी है हमें। यहाँ लगी हमारी गाड़ी और यहीं पर होने वाली आज हमारी कार कैंपिंग। सो गाइस ये व्यू चेक करो यार, लगाते हैं, क्या व्यू है यार। वो वहां पे लगाए। और ये यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमें पानी की कमी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी है तो ये यहाँ पर टैंक बना हुआ, यहाँ पर हमें पानी की व्यवस्था भी है तो पानी की कमी नहीं यहाँ पर होगी हमें, है ना? है? नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा आ रहा, बहुत होगा। इस दूसरे का खोल। ओ भाई पानी की कमी नहीं है। चलो ये सही हो गया कि हमारी कार कैंपिंग वहां पर होगी और पानी हमें इतनी पास मिल चुका है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। जो भी जंगली जानवर होंगे हमारी हनुमान आज रक्षा करने वाले हैं। यहाँ पर हमें डर बिल्कुल नहीं है। एक तरफ हमारे हनुमान जी हैं, दूसरी तरफ हमारी चंडी माता का ऊपर मंदिर है और यहाँ भी एक मंदिर है। सो हमारे चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। खोल दे। सो गाइस आप भी दर्शन कर सकते हैं। कमेंट में सारे लिख दें यहाँ पर जय हनुमान। सो ये है हमारी जम्मू कश्मीर की खूबसूरती। यहाँ पर आपको हर एक कोने में, हर एक पहाड़ के टॉप में आपको यहाँ पर हमारे मंदिर बहुत मिलेंगे। जो जम्मू कश्मीर है वो मंदिरों का एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी देश है। सॉरी गाइस, तुझे पता है अरविंद, तुझे पता है जम्मू मंदिरों का देश है? पता मुझे अभी चला ना कि देश है। गाइस मेरे यार कभी कभी हो जाती है टंग स्लिप, कुछ भी निकल जाता मुँह से। मेरा कहने का मतलब था कि जो हमारे जो जम्मू कश्मीर है वो मंदिरों का स्थान है। यहाँ पर मंदिरों की कमी नहीं है, यहाँ पर आपको हर एक कोने में मंदिर मिलेंगे। वो देखो गाइस एक बहुत बड़े साधु संत भी आ रहे हैं, तो अभी आपको मैं उनसे भी मिलाऊंगा क्या, उनके थोड़ी जगह दिखा दूंगा। सारा एरिया वहाँ से लेकर सबसे पहले आपको जय माता की, ओम नमः शिवाय। ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है ये माता चंडी का मंदिर है, ठीक है। ये माता मिंदल से आई हुई है। अच्छा, हर साल यहाँ पे मेला भी लगता है, ठीक है। 28 और 29 जून को आने वाला है अभी सभी। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, इस साइड आगे भगवान भोले बाबा का। अच्छा, भोले बाबा का है वो? जी जी, ठीक ठीक। डुड्डू में बासुकी नाग जी का मंदिर है और वो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है ऊपर बिहाना चौक मंदिर है, ये भी चंडी का मंदिर है, यहाँ भी मेला लगता है, ठीक है। काफी अच्छी खूबसूरत जगह भी है, ठीक है। धन्यवाद जी, निवेदन है कि वो आए, ठीक है। साफ सफाई का ध्यान रखें, बिल्कुल बिल्कुल, घूमे फिरे, साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। जय माता, ये हो ना हर जगह पे टूरिस्ट जगह कोई भी हो, नहीं हमारा ज्यादा यही, मेरा यही फोकस रहता है कि जो भी यात्री आए वो गंद ना डाले। अगर गंदगी डल गई ना यहाँ फिर कोई नहीं आए, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर सच में कोई नहीं आए। प्रकृति फिर हमें दंड भी देगी और दे तो रही है वैसे भी, दे रही है। सो भी गाइस देखो कितना सामान हमारे लद के लाया हुआ है। लद मींस यहाँ पर बहुत सारा हमें सामान चल रहा है, पर इसमें हमारे काम कोई भी नहीं लग रहा है। ये तेरा पक्का तेरा बैग है? ये मेरा बैग है। क्या लाया इसमें भाई? बड़ा गर्म है अंदर से, ठंड इतनी है। अभी आप हमें देख रहे हो ना हाफ टी शर्ट में, थोड़ी देर बाद हमें एकदम कवर हो जाएंगे हम। अभी ठंड लग रही है पर अभी पहन नहीं रहे हैं, थोड़ा ठंड को एंजॉय करना चाहते हैं। वो तो लाया हूं, लकड़ का है, नहीं पहनना है। लकड़ पड़ी है? हां हां लकड़ पड़ी है, लकड़ वहां पड़ी है। हमारी आग का इंतजाम हो जाएगा। सोचो अभी मई का महीना और हम यहां आग सेक रहे हैं गाइस। अभी मई का मंथ है हमारे जम्मू कश्मीर में, देखो यहां पे कितनी ठंड है। मैं निकल लगा वो तो, सॉरी। अभी पता करो सबसे सारा सामान या सामान को लो सारा यार, लेट हो जाएंगे, टेंट लगाओ फटाफट।
गाइस अभी हम लगा लेंगे अपना टेंट, सो अभी कैंपिंग करते हैं स्टार्ट, और अभी इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट नाइट कैंपिंग में।